जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अन अकेडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और आपकी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास में। कृतिका जी स्वागत है, वाणी जी स्वागत है, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? माधुरी जी स्वागत है, आयुष जी स्वागत है, पीयूष जी स्वागत है। राहुल जी स्वागत है, जय हिंद। राधे राधे वाणी जी, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? और आज से आपका प्लस का बैच भी शुरू हो रहा है। जय हिंद पीयूष जी, प्लस का बैच भी आज से आपका शुरू हो रहा है। सुधांशु जी स्वागत है, ठीक है, आपके आपका मैथ्स का प्लस का बैच स्टार्ट हो रहा है। शाम को 7 से 8 जो अपनी क्लास का टाइमिंग था, टाइमिंग वही रहेगा, ठीक है। उस टाइम पे अब प्लस का बैच चलेगा आपका आज से 7 से 8। ठीक है, तो कल और परसों नहीं, इधर वाणी जी नहीं लिया 2 दिन के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा कुछ एक अर्जेंट मतलब बहुत ही ज्यादा वर्थ था जिसमें फंस गया था मैं, तो उसके कारण से क्लास नहीं ले पा रहा था इधर। तो आज स्टार्ट किया है क्लास को और आज से ये लगेगा रहेगा आपका, और आज से आपका प्लस का क्लास भी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आज से आपके प्लस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है वो, और ये दोनों क्लासेस चलेंगे। नामिका जी स्वागत है, ठीक है। ज्योति जी स्वागत है, शुभी जी स्वागत है। बड़ा रुक रुक के आज, अच्छा ध्यान से हट गया होगा, है ना, अभी क्लास इधर चल नहीं रही तो ध्यान से हट गया होगा कि क्लास है। जय हिंद अनामिका जी, कैसी हैं आज से? अनामिका जी आपको भी बता दूं मैं, प्लस का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है ना, आज से प्लस का बैच शुरू हो रहा है। नमस्ते ज्योति जी, जय हिंद। तो आज को शाम को 7 बजे से 7 से 8 एक घंटे का प्लस का बैच रहेगा। शुभम जी स्वागत है, ठीक है, 7 से 8 तक आपका प्लस का बैच रहेगा, चलेगा। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए, रिप्लाई करिए, आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आज थोड़ा सा काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है। रोहिला जी स्वागत है, आज काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है आप लोगों की। निरुपमा जी स्वागत है, और अब लेकिन कंटिन्यू रहेगी क्लास, ठीक है, क्योंकि प्लस का तो स्पेशल करंट अफेयर्स की फिक्स टाइमिंग क्या होगी। हरजिंदर जी स्वागत है, फिक्स टाइमिंग अभी तो फिलहाल वही है, रात को 8:15 ही रहेगी, ठीक है, तो आज दोपहर में है लेकिन ऐसे 8:15 रात में ही रहेगी। कुलदीप जी स्वागत है फिलहाल, ठीक है शुभी जी, और उसको देखते हैं अगर कुछ और चेंज हो सकता है, अगर पॉसिबल रहता है सुबह करने का इस टाइम पे तो मैं जरूर कर दूंगा इस टाइम पे, ठीक है। राहुल जी स्वागत है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब सेशन को स्टार्ट किया जाए। 30 मिनट 30 सवाल का सेशन हम लोगों का ये चलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं। हाँ ठीक है, सुबह जोशी को आगे रखेंगे, ठीक। तो आज का हम लोगों का ये करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास है, आज 42वां दिन हम लोगों के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास के लिए, और हम लोग अभी सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का, सितंबर का करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो सितंबर के करंट अफेयर के लिए अभी चलिए आज पहला क्वेश्चन हम लोग का, ठीक, फिर वही 15 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, और डिस्क्रिप्शन हर एक क्वेश्चन में मैंने दे दिया, लेकिन हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से बाद में भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ ऑन नवंबर 30। कौन सा देश 30 नवंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार के प्रमुखों के
सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना या साउथ अफ्रीका? पोल आपके सामने। वेरी गुड हरजिंदर जी, वेरी नाइस, पहला सही जवाब। सुभी जी, कुलदीप जी, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कृतिका जी, गुड, वेरी नाइस। टाइम अप। दीक्षा जी, स्वागत है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंडिया। ठीक है, इंडिया इसको होस्ट करेगा। इंडिया विल होस्ट अ समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन नवंबर 30 विद अ फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। हाँ, इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग। इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग इट्स कोऑपरेशन विद द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एट नेशन रीजनल ग्रुपिंग दैट रिप्रेजेंट्स अराउंड 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, वेरी गुड हरजिंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Who has been appointed as the new chairman of Coca-Cola India Incorporation? Coca-Cola India Incorporation के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी कृष्ण कुमार, वी के यादव, के पद्मकर, उषा पाधी या अविक सरकार? और ये रहा पोल आपके सामने। फायजा जी, शिपाल जी, स्वागत है। वेरी गुड अजिंदा जी, निरुपमा जी, वानी जी, कृतिका जी, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका, एक सेकेंड, अरे पेंटेप को क्या हो जाता है, इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा, एक सेकेंड होल्ड पे रहिएगा। Pentap is not working here. एक सेकंड रुकना जरा, मैं फिर से एक बार इसको निकाल के लगा दूं। नमस्ते शिवपाल जी, नीतू जी, स्वागत है। चलिए, आप लोगों को वैसे इसमें जरूरत है नहीं Pentap की, ठीक है ना, तो मैं इसमें आप लोगों को कोई ऐसी जरूरत है नहीं, तो इसको बिना इसके ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन आंसर आपके सामने आ ही जाता है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन हो गया ना, सेकंड वाला, सेकंड वाले पोल हो गया है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। पुनीता जी, स्वागत है। देखिए, कोका कोला कंपनी ऑन 3rd September नेम्ड टी कृष्ण कुमार करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया पैसिफिक यूनिट चेयरमैन ऑफ कोका कोला इंडिया इनकॉर्पोरेशन का पूरा इनको बनाया गया। वेरी गुड अंकिता जी, स्वागत है। नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज वोन द वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ऑडी अमेया, पी इनियान, जी आकाश, एम प्रणेश या डी गुकेश? और ये रहा पोल आपके सामने। किसी का सही आंसर नहीं। वेरी गुड कुलदीप जी, एक सही जवाब आया, वेरी नाइस। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है पी इनियान इज द राइट आंसर। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज नाउ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? किस देश के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? और ये रहा पोल आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने, पोल ये रहा आपके सामने। दूध वाला कब से? दूध, रशिया, जापान, इंडिया, यूके, गुड, वेरी नाइस। 64% लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, 64% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। वर्षा जी, स्वागत है। ललिता जी, स्वागत है। ठीक, तो सही क्या है आंसर इसका? इंडिया, इंडिया इज नाउ द सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया इज नाउ द सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड बीइंग फ्यूल्ड बाय द ट्रेमेंडस ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे एंड हाईवेज। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द 60th एनुअल कन्वेंशन ऑफ SIAM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 4th September। ही इन्फॉर्म्ड दैट द करंट रेट ऑफ रोड बिल्डिंग
पर डे हैज एवरेस्ट ऑफ 30 किलोमीटर अ डे. He informed that the current rate of road building per day has averaged to 30 kilometers a day, with the highest being 40 kilometers per day of highways. ठीक है? हाँ. First China. Fifth question. UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, has projected India's GDP at dash in 2020. UNCTAD ने 2020 में भारत के GDP को कितना अनुमानित किया है? -3.5, -4.5, -5.9, -7.5 या -9.2. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने. वेरी गुड निरुपमा जी, कृतिका जी, पीयूष जी, हरजिंदर जी, राहुल जी, वर्षा जी, वेरी नाइस, वेरी गुड. इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सिर्फ 35% लोगों का ही जवाब सही हो पाया है. ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? -5.9. ठीक, इसको आप लोग, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट द जीडीपी ऑफ इंडिया विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.9% इन द ईयर 2020 फॉर द ईयर 2021. UNCTAD projects that India economy to grow by 3.9. The projection was made in its trade and development report 2020 global economy and contract by an estimate 4.3% this year. ठीक है? Sixth question. Name the flight lieutenant who will be the first woman fighter pilot to fly Rafale. उस fighter lieutenant का नाम बताइए जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला fighter pilot होंगी. Options are शिवांगी सिंह, अना कैंडी, आशापूर्णा देवी, आरती सहाय या मेडलिन स्वेगे. तो और ऑप्शन ये रहा आपके सामने. शुभी जी, वो इकोनॉमी के बहुत आपको डीप जाना पड़ेगा. ठीक है, मुजस्सिम जी स्वागत है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा तब आपको ये समझ में आएगा. ठीक है शुभी जी, अभी इकोनॉमी का आपका बैच मेरा जो आज से शुरू हो रहा है, 9 तारीख है आज, और आज से बैच शुरू हो रहा है प्लस का. तो उस प्लस के बैच में आपको इकोनॉमी की भी क्लास मिलेगी, मतलब उस बैच में मेरी क्लास में तो मैथ्स की मिलेगी, उसके बाद इकोनॉमी की क्लास के लिए भी सर हैं, तो उनकी क्लास को जब आप करेंगे तो आपको वहां पे सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी. ठीक है, ठीक, तो क्या आंसर है सही इसका? शिवांगी सिंह. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. मुजस्सिम जी स्वागत है आपका. फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह विल बी द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई राफेल, इंडियाज मोस्ट मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट. इट हैज बीन नोन फॉर द वाइल that the IAF is training a woman fighter pilot to fly the Rafale, which was inducted into the force at the Ambala base earlier this month, but her name has come to light only now. She has been undergoing conversion training, the course pilots undertaking when they switch from flying one aircraft to another since August. Next. Who among the following has been named as the brand ambassador of Acer India? निम्नलिखित में से किसे Acer India का brand ambassador नियुक्त या नामित किया गया है? सोनू सूद, यामी गौतम, ऋषभ पंत, तमन्ना भाटिया या विक्की कौशल? और ये रहा पोल आपके सामने. वेरी गुड दीक्षा जी, निरुपमा जी, पीयूष जी, वाणी जी, शुभी जी. एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो आराम से देख के लगा सको आप, है ना? वेरी गुड, टाइम आप. ठीक है, कौन है सही आंसर? सोनू सूद. क्या कह रही है अंकिता जी? सर गुंजन सक्सेना. गुंजन सक्सेना अलग वो है पूरा. आप कहां इसको राफेल में लेके आ रही हैं अंकिता जी? ज्योति जी, अरजिंदर जी कह रहे 4++ जनरेशन प्लान. हाँ बिल्कुल अरजिंदर जी, वो फाइटर. हाँ बिल्कुल ज्योति जी, वो फाइटर की फर्स्ट थी. ठीक है, ये राफेल की है. वेरी गुड मेघा जी, स्वागत है. 8 के क्वेश्चन जल्दी जल्दी, सॉरी इसको देख लीजिए. पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया हैज रोब्ड इन एक्टर सोनू सूद एज इट्स ब्रांड एंबेसडर. द एक्टर विल बी सीन एंडोर्सिंग द ब्रांड्स इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अ कैंपेन टू टॉक अबाउट एसर्स कमिटमेंट टू इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ थ्रू टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन. Which indigenous developed missile has been successfully test fired from the Chandipur Integrated Test Range, Odisha recently? हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? पृथ्वी 2, धनुष 2, ब्रह्मोस 5, आकाश 3 या नेत्रा 4? और ये रहा पोल आपके सामने. वेरी गुड सुभी जी, वाणी जी गुड, फायदा जी वेरी नाइस,
अरे बहुत कम लोगों का सही जवाब, पर इसमें तो इतना कम एक्सपेक्टेड नहीं था, कितने कम लोगों का सही जवाब रहेगा। चलिए टाइम अप, तो सही आंसर इसका क्या है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द पृथ्वी 2 सॉरी सेकंड मिसाइल व्हिच वाज डेवलप्ड इंडिजिनसली। द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट द चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा। द मिसाइल अटेंड द रेंज ऑफ 350 किलोमीटर। द टेस्ट फायर वाज अ रूटीन एक्सरसाइज। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स रडार्स एंड telemetry stations of defense research and development organization traced the trajectory of the missile. Next question, who has been appointed as the new managing director of energy efficiency service limited EESL energy efficiency service limited ke naye prabandh nideshak ke roop mein kise niyukt kiya gaya hai, aur ye raha poll aapke samne. Options are anil dasman, संयुक्त समददार, समीर कुमार खरे, रजत सुर या प्रीति सुना। वेरी गुड मेघा जी, वेरी राइट आंसर, पहला सही जवाब पीयूष जी, वेरी गुड। टाइम अप, ठीक है, तो सही आंसर क्या है, सही आंसर आइए देखा जाए हम लोग। अ जॉइंट वेंचर जेवी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ईईएसएल हैज अपॉइंटेड रजत सुर एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। ही takes charge from S. Gopal, director commercial, who was given the additional charge as interim MD. The headquarter का है New Delhi और India का chairman कौन है? Rajiv Sharma. 10th question. Name the motor company which is going to start sales and manufacturing operations in India. उस motor company का नाम बताइए जो भारत में बिक्री और विनिर्माण कार्यों के बंद करने जा रही है। Ducati, Triumph motorcycle, Kawasaki, Harley Davidson या Yamaha? और poll आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड ज्योति जी, वाणी जी गुड, दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। टाइम अप, हार्ले डेविडसन कॉर्पोरेशन सेड ऑन 25th सितंबर इट वुड डिसकंटिन्यू इट्स सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया इफेक्टिवली अबैंडनिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोटरसाइकिल मार्केट आफ्टर अ डिकेड ऑफ अनसक्सेसफुल effort to gain a foothold. The move involved $75 million in reconstruction costs and some 70 redundancies and the closure of its bowel plant, walking away from a market worth about 17 million bikes and scooter sales a year. It will remain only a scaled down sales office in Gurgaon, south of New Delhi. Okay? हाँ बिल्कुल, कि हार्ले यहाँ नहीं बनेगा, बिल्कुल ज्योति जी। अच्छा पोल नहीं है हुड्डा जी, नेट को अपना चेक कर लीजिए, नेट में हो सकता है आपके कोई इशू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या था? 8th, 48th, 89th, 117th, 121। पोल आपके सामने, वेरी गुड दीक्षा जी, कृतिका जी, मुजस्सिम जी, कुलदीप जी, वाणी जी, शुभी जी, वेरी नाइस गुड, फायदा जी गुड, निरुपमा जी गुड, वेरी गुड। पोल नहीं आ रहा है, हरजिंदर जी आपका नेट स्लो होगा, जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर लीजिए, मैं 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, तब तक डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए, जिनके में भी पोल नहीं आ रहा जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 इंडिया इज पुअरली प्रिपेयर्ड टू डील विद क्लाइमेट रियलिटी ड्यू टू व्हिच इट इज वल्नरेबल टू एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर। World Risk Report 2020 released by the United Nations University Institute for Environment and Human Security, Bündnis Ethnical Hilft and the University of Stuttgart in January, Vanuatu, Pacific, South Pacific Ocean in this country is the highest disaster risk worldwide. It is followed by Tonga, South Pacific Ocean and Dominica, Caribbean Sea. India has ranked 89th among 181 countries on the WRI 2020 World Risk Index and is fourth most at risk in South Asia after Bangladesh, Afghanistan and Pakistan. Next question. Rating agency ICRA has forecasted India GDP at in financial year 21. Rating agency ICRA ne vitt varsh 2021 mein desh par Bharat ki GDP ka anuman lagaya hai. 12वां क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। ऑप्शंस आर -4.5, -5, -7.5, -9.2 and -11%। वेरी गुड दीक्षा जी, नीतू जी, वेरी नाइस गुड, दो ही लोगों ने सही जवाब दिया है, बस बाकी लोग फंस गए, ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है 11%। अमरजीत जी एंड एससी जी स्वागत है, जय हिंद।
थर्टीन क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ इंडियन वेमेन सिलेक्शन कमिटी बाय बीसीसीआई? बीसीसीआई द्वारा भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर नीटू डेविड, मिंटू मुखर्जी, रेनू मार्गरेटे, आरती वैद्य या वी कल्पना। 13 क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। जय हिंद, जय हिंद एसजी जी, अमरजीत जी, दोनों लोगों को वेरी गुड। मेघा जी, अंकिता जी, राहुल जी, हरजिंदर जी, इतने लोगों ने सही जवाब अभी तक दिया है और बाकी लोग लेकिन अभी भी गड़बड़ हैं। गुड, मयंक जी स्वागत है आपका। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? नीटू डेविड। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, आइए डिस्क्रिप्शन को देख लिया जाए। अमित जी स्वागत है। द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ सॉरी कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज अपॉइंटेड नीतू डेविड वन ऑफ फाइनेस्ट वेमेन क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000 एज द चेयरमैन ऑफ द 5 मेंबर वेमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल। द अदर मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड पैनल इंक्लूड सुमिथु मुखर्जी, रेनू मार्गरेट, आरती वैद्य एंड वी कल्पना। द नीतू डेविड लेड पैनल बाई has been appointed for a period of 4 years. ये सारे options किसके हैं? ये भी ध्यान रखिएगा जो selection committee में already हैं, उनके हैं। 14th question. Death birth anniversary of Bhagat Singh was observed on September 28, 2020. 28 सितंबर 2020 को Bhagat Singh की कौन सी जयंती मनाई गई? 110वीं, 111वीं, 112वीं, 113वीं या 114वीं? और ये रहा पोल आपके सामने। प्रणाम अमित जी, खुश रहिए, वेरी गुड। पुनीता जी, दीक्षा जी, वेरी नाइस। रुपमा जी, गुड, वेरी गुड। तो कौन सी थी ये? 113वीं जयंती थी। ठीक है, नेशन इज पेइंग होमेज टू द रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ऑन इज 113th birth anniversary today. Today मतलब on September 28, 2020, Bhagat Singh was born on his day, on this day in 1907 in Banga village of Lialpur district of undivided Punjab province. He was hanged in Lahore jail at the age of 23 along with Rajguru and Sukhdev. 15th question. Who has been given additional charge of National Security Guard, NSG Director General, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सुरजीत सिंह देसावल, अरविंद रंजन, आनंद प्रकाश महेश्वरी, राजेश रंजन या पीएस रानिप से? और ये रहा पोल आपके सामने। हाँ, सितंबर पे चला। राजेंद्र जी स्वागत है, क्यों नहीं देंगे भाई? अंकिता जी, ऑप्शन जब पांच है तो पांचों का रहेगा ना। वेरी गुड, कितने लोगों ने? सिर्फ 21% लोगों ने सही जवाब दिया है। सुरजीत जी आपका ऑप्शन सही। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड राजेंद्र जी। ठीक है, राजेंद्र जी स्वागत है। ठीक है, कौन ऑप्शन सही है? सुरजीत सिंह सही है। आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल एस एस देसावल हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ काउंटर टेररिज्म फोर्स एंड एनएसजी एज इट्स इनकम्बेंट चीफ एके सिंह इज गोइंग टू रिटायर ऑन सितंबर 30। द ब्लैक कैट कमांडोज ऑफ द फोर्स आर बेस्ड इन 5 हब अक्रॉस द कंट्री अपार्ट फ्रॉम देयर मेन गैरिसन इन गुड़गांव मानेसर। ठीक है, तो ये हम लोगों का अभी तक का करंट अफेयर था। अब जनरल अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के पहले कि किसकी पोजीशन क्या है। दीक्षा जी फर्स्ट पे चल रही है, वाणी जी सेकंड पे, हरजिंदर जी थर्ड पे हैं, फोर्थ पे निरुपमा जी, फिफ्थ पे सुबी जी, सिक्स पे राहुल जी, सेवंथ पे प्रतिका जी, नाइन्थ पे ज्योति जी, सॉरी एट पे ज्योति जी, नाइन्थ पे पीयूष जी और टेंथ पे अंकिता जी अभी तक चल रही हैं। जय हिंद राजेंद्र जी, कैसे हैं? और फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि आज से आपका शाम को 7 बजे से प्लस का बैच, आप लोगों का मोस्ट अवेटेड बैच, जो कई बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि प्लस का बैच कब आएगा, तो आज से रात को 7 से 8 के लिए आपका प्लस का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, रात को 7 से 8 बजे के लिए प्लस का बैच शुरू होगा आज से आपका, तो सभी लोग जल्दी से उसमें एनरोल कर लीजिए। ऊपर मैंने अपनी लिंक लगा रखी है प्रोफाइल की, उस प्रोफाइल लिंक को आप फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के बाद आपको नीचे वहां अपकमिंग बैच में दिख जाएगा। ठीक है, तो जरूर से उसको फॉलो करिए प्लस का बैच। और अगर ठीक है, अगर कोई आप लोगों में से प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है और अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो लोग Mayank71 Mayank71 कोड को आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्या हो वहां पे प्लस के सब्सक्रिप्शन में कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। ठीक है, नहीं एसजी जी, ये 7 बजे ही है, ये लगातार वह 7 बजे का ही शेड्यूल, पहले प्री शेड्यूल होता है ये, तो इसमें चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है, तो ये प्री शेड्यूल है 7 से 8 के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग अपने जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू के लिए, और जनरल अवेयरनेस में हम लोग का क्या चल रहा है, मौर्य काल चल रहा है। तो जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू के लिए तैयार है सभी लोग, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे हम लोग जनरल अवेयरनेस में मौर्य काल की तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? Who among the following is not the ruler of Maurya dynasty? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड निरुपमा जी, अरविंदा जी, राहुल जी, माधुरी जी, कृतिका जी, नीतू जी, वानी जी, वेरी नाइस, गुड गोइंग, दीक्षा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग 53% लोगों ने सही जवाब दिया इसमें, बाकी लोग गड़बड़ हो गया इसमें, ठीक है, हिस्ट्री वीक है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, अजातशत्रु इज दी राइट आंसर। गुंजन जी स्वागत है आपका। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ अशोका? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? बोल आपके सामने। जल्दी जल्दी गुंजन जी आप भी लगाइए, वेरी गुड, मानवानी जी, निरुपमा जी, राहुल जी, अमरजीत जी, नीतू जी, गुड, पीयूष जी, वेरी नाइस, टाइम अप, ठीक है, सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका कुणाल, कुणाल इज द राइट आंसर। 18 क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड नीतू जी, शुभ जी, ज्योति जी, दीक्षा जी, निरुपमा जी, राजेंद्र जी, कृतिका जी, माधुरी जी, राहुल जी, पुनीता जी एंड एस जी, जितने सारे लोगों ने सही जवाब दिया, पीयूष जी, वेरी गुड, 71% लोगों का सवाल का जवाब इसमें सही है, वेरी गुड। और सही आंसर क्या है? विशाखदत्त इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीनतम भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विशाखदत्ता'स एंशिएंट इंडियन ड्रामा मुद्रा राक्षस इज? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच के संघर्ष के बारे में, एक आर राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड दीक्षा जी, अंकिता जी, वेरी नाइस, राहुल जी, पीयूष जी, टाइम अप, ठीक है, टाइम अब, कौन है सही आंसर इसका? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में था, ठीक है, क्या नाम था? मुद्रा राक्षस, जिसको अभी आपने इसके पहले भी जस्ट आंसर में लगाया है। 20th क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? विच रूलर वॉन मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? और ये रहा पॉल आपके सामने। वेरी गुड दीक्षा जी, निरुपमा जी, अंकिता जी, वेरी गुड, मुदस्सिम जी, वेरी नाइस, वाणी जी, गुड, टाइम इज अबाउट टू बी अप एंड टाइम अप, ठीक है, सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। दीपिका जी स्वागत है आपका, लेट हो गया है आज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? हु एस्टैब्लिश्ड द डायनेस्टी ऑन द थ्री प्रॉन्ग बेसिस ऑफ टॉलरेंस, जेनरोसिटी एंड कंपेशन? और ये रहा पोल आपके सामने। ऑप्शन सर, अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? वेरी गुड, वाणी जी, दीक्षा जी, शोभी जी, राहुल जी, दीपिका जी, मुदस्सिम जी, हरिंदर जी, पीयूष जी, माधुरी जी एंड अमरजीत जी? वेरी गुड, 59% लोगों का सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है, तो सही आंसर क्या है? अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, शिलालेख नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। Which of the following city does not have the inscription of Asoka? ग्रिनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा? ठीक है, 22वां क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड माधुरी जी, नीतू जी, अंकिता जी, दीक्षा जी, वाणी जी, मुदस्सिम जी, वेरी नाइस, मेघा जी, पुनीता जी, गुड, अरे वाह, अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन के आंसर ज्यादा सही आ गया इस वाले में, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी। सही आंसर क्या है इसका? पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। स्वाति जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज अ कंटेंपरेरी? अशोक, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? 23वां क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने ऑप्शन।
राहुल जी, ज्योति जी, दीक्षा जी, कृतिका जी, नीतू जी, निरुपमा जी, वेरी गुड। मुजस्सिम जी, वेरी गुड। राजेंद्र जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। स्वाति जी, स्वाति शुक्ला जी, स्वागत है आपका। तो इसका सही आंसर क्या है, 23rd क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, चंद्रगुप्त। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश में ने शासन किया, ठीक है। विच डायनेस्टी रूलर रूल्ड मगधा आफ्टर द नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है और ऑप्शन है आपका मौर्य, सुंग, गुप्त या कुषाण, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड मेघा जी, अंकिता जी, राहुल जी, कृतिका जी, वाणी जी, पीयूष जी, स्वाति जी, दीपिका जी, अजिंदर जी, वेरी नाइस। इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, 50% लोगों का जवाब अभी तक सही है, वेरी गुड। टाइम अब, और सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर है नंद के बाद किसने किया, नंद के बाद मौर्य ने किया, ठीक है। नंद के बाद किसने किया, मौर्य वंश ने किया। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन टैब फिर काम करना रुक रहा है। 25th क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मौर्यन पीरियड वाज, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन, और ये रहा पोल आपके सामने। पेन टैप नहीं काम कर रहा है, ओके माउस से कर दो जरा, ये रहा पोल आपके सामने। तब तक जरा इसको रिसेट कर लूं। वेरी गुड राजेंद्र जी, राहुल जी, मेघा जी, निरुपमा जी, वेरी गुड, स्वाति जी, वेरी नाइस। चलिए टाइम अप, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं हम लोग के पास। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक ऑफ मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था, आसान सा है, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका, और ये रहा पोल आपके सामने। संजय जी स्वागत है आपका, वेरी गुड। निरुपमा जी, दीपिका जी, राहुल जी, शर्मा और कौन है, मेघा जी, अंकिता जी, राजेंद्र जी, वाणी जी, हरविंदर जी, शुभी जी, वेरी गुड, पुनीता जी, अरे बाप रे बाप, 95% लोगों ने सही जवाब दिया था इसका। ये पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। सोनिया जी स्वागत है आपका, चलिए माउस से ही मैं करा दे रहा हूँ जो रिमेनिंग है उसको, ठीक है। ये डज नॉट वर्किंग, डोंट नो व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, इन विच इन हुज बुक चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड, इट इज भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। अभी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, वेरी गुड। माधुरी जी, राजेंद्र जी, दीक्षा जी, ज्योति जी, राहुल जी, सुभी जी, पुनीता जी, गुंजन जी, वेरी गुड, वाणी जी, अमरजीत जी, वेरी नाइस, मयंक जी, वेरी गुड, पीयूष जी, नाइस, वेरी गुड। टाइम अप, तो सही आंसर इसका क्या है, विशाखदत्त इज द राइट आंसर, ठीक है। विशाखदत्त क्या है, जिस राइट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, वस्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, द सोर्स इन विच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल, ठीक है। हिंदी तो है यार, हिंदी तो है रजिंदर जी, और क्या है इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों ही तो है। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जिसमें वर्णन, प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। 18th क्वेश्चन, वेरी गुड अभिषेक जी, स्वागत है आपका। दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख, वेरी गुड। राहुल जी, पीयूष जी, वेरी नाइस, अमरजीत जी, गुड, और टाइम अप। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर इज इंडिका, इंडिका इज द राइट आंसर। अच्छा उड़ा जी, आप ग्रामर को कह रहे हैं, हिंदी ग्रामर, चलिए समय रहा तो उसको भी कर देंगे, एमसीक्यू ही करना है तो क्या दिक्कत है, एमसीक्यू कर लिया जाएगा, ठीक है। 29th क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, द लैंग्वेजेस यूज्ड इन अशोका'स इंस्क्रिप्शन इज, संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी, 29th क्वेश्चन, और ये रहा पोल आपके सामने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, वाह वेरी गुड, निरुपमा जी, वाणी जी, दीक्षा जी, ज्योति जी, शुभी जी, माधुरी जी, पीयूष जी, पुनीता जी, वेरी गुड,
और टाइम अप, ठीक है, समय आपका समाप्त। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग्स कॉन्कर्ड द डेक्कन? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, आखिरी क्वेश्चन है आज का और ऑप्शन आपके सामने। वेरी गुड नीतू जी, मेघा जी, राहुल जी, मुदस्सिम जी, अमरजीत जी, सोनिया जी, वाणी जी, पीयूष जी, वेरी गुड। टाइम अप, ठीक है, वेरी नाइस। आज का ये आप लोगों का था। आज शाम को 7 बजे से फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं, 7 बजे से आज से आपका प्लस का बैच स्टार्ट हो रहा है, मैथमेटिक्स का कंप्लीट प्लस का बैच है। और इसमें आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आज शाम को 7 से 8 बजे तक, अभी लीडर बोर्ड आपको दिखा रहा हूं और ऊपर मैंने अपना प्रोफाइल लिंक लगा रखा है, उस लिंक पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आपको वो बैच भी दिख जाएगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ नाम से वो क्या है, बैच है आपका, ठीक है, कंप्लीट कोर्स ऑफ ऑन मैथ्स के नाम से बैच है वो। तो आप सभी लोग वहां से मुझको वहां पे उस बैच को जरूर एनरोल कर लीजिए ताकि आपको इजी वे में सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये देखते हैं आज कौन किस स्थान पे है। दीक्षा जी फर्स्ट पे, सेकंड पे वाणी जी हैं, थर्ड पे राहुल जी, फोर्थ पे निरुपमा जी, फिफ्थ पे पीयूष जी, सिक्स पे सुमी जी, सेवन पे अर्जिंदर जी, एट पे कृतिका जी, नाइन्थ पे ज्योति जी और टेंथ पे नीतू जी हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी लोगों को, और जो लोग लीडर बोर्ड में नहीं आए हैं वो अगली क्लास में जरूर लीडर बोर्ड में आने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे आप सभी लोगों से प्लस के बैच में, ठीक है, प्लस के बैच में मिलते हैं आप सभी लोगों से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय।